सक क्या करेंगे बताइए, तुम ही साहेब वसी तो फिर और क्या है, तुम ही साहेब वसी तो फिर और क्या है, तुम इसमें किसके है अनुवार देखो, ये किससे बना है, इसके अंदर अनुवार किसके है देखो। अगर फरमाते हैं कि हर शहर में जब रहते हैं ताला तो क्या सूरत है वसी में बोला नहीं, जब अल्लाह का बता रहे हैं इन्ना अल्लाह रब्बी शहीद मुहीद इन्ना अल्लाह रब्बी शहीद शहीद भाई ना मत बोलू फसल का वजिल्ला, ये तमाम बातें रहते हैं सूरत है वसी में बोला नहीं। जब एक झाड़ से बड़ा रूप कहते हैं कि झाड़ से बड़ा रूप तर्जुमा है शेर का, बड़ा का रूप कहते हैं कि एक झाड़ के अंदर ये हकीकत है कि उससे आवाज आ रही है कुरान की रोशनी में इतनी अदल्लाह ये मैं खुदा हूं बल्कि, तो क्या एक इंसान इतनी अदल्लाह का जवाब दे ले सकता, जबकि शजरतुल कौम तो इंसान ही है। शेख अकबर के लिहाज से नरवी रहमतुल्लाह अलैह के लिहाज से शजरतुल कौम जिसे कायनात का जो झाड़ है जैसे आवाज आ रही है वो इंसानी की जात है, वो हुजूरी की जात है, हुजूर ही है और कोई है ही नहीं। जैसा हजरत फरमाते हैं खुदा के सिवा और तुम्हारे सिवा किसे देखना और क्या देखना, तो पीर का बहुत बड़ा मुकाम है, पीर के मुकाम को अगर कोई समझा नहीं है तो कुछ भी नहीं समझा। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग है, उनके एक मुरीद मुझको याद आ गया था, नाम याद नहीं आ रहा, वो हज को जा रहे हैं, बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह हज को जा रहे हैं और उनके तो शेख है तो नाम याद नहीं आ रहा, दुर्द पढ़ी थी अल्लाह।